दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। तो अभी हम जो करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे आज। ठीक, पहले क्लास में हमने जो है इसका चार्ट बनवाया था, जो भी जनरेशन चार्ट था वो मैंने बना दिया था। ठीक, आज उसी जनरेशन चार्ट से हम क्वेश्चन निकालेंगे, यानी जो जनरेशन चार्ट हमने लिखा यहाँ पर बनाया था उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, उसका यूज़ कैसे करेंगे। क्योंकि उस क्लास में उस दिन बस एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यानी अपने आसपास के फैमिली के लिंक के हिसाब से हमने कुछ दो या तीन क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज हम जो देखेंगे ना, वो देखेंगे जनरेशन चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है। हम लिख लेते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक भाई, इसको बोलते हैं रक्त संबंध, खून का रिश्ता, कुछ भी बोल लो। क्वेश्चन क्या है हमारा, आर क्यू की पुत्री है। देखो भाई, आर क्यू की पुत्री है। ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप। एम बी की बहन है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है। ठीक, एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करना। चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली कंडीशन देखो, स्टेटमेंट के हिसाब से हम करते चलेंगे। आर पुत्री है क्यू की, मान लो क्यू इसका क्या है, पिता है। तो पुत्री कहाँ आएगी, नीचे आएगी ऊपर आएगी, नीचे आएगी, यानी आर। ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो, यानी इसके पापा भी हो सकते हैं लड़की के। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। यहाँ से हमें पता चलती है एम जो है वो नेगेटिव है, एम बी की बहन है, यानी ये जो है ये बी की बहन है, एम बहन है जो क्यू का पुत्र है। कौन पुत्र है, एक जनरेशन नीचे आएंगे, यानी क्यू। ठीक, तो एक चीज़ देखो आप, जो ये जो है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये इस पास वाले के लिए है। किसके लिए है, जो इससे जुड़ा हुआ है। देखो, अब एक चीज़ बताओ मुझे, इसने कहा है एम बी की बहन है, एम बहन है किसकी, बी की, और बी जो है वो क्यू का क्या है, पुत्र है। यानी ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए और ये क्यू का पुत्र है। तो जैसे ये एक जनरेशन क्या है, नीचे आया, तो ऐसे ही ये तो इसी के साथ जुड़ेगा। अब इसने पूछा है कि एम का आर से रिश्ता बताओ। भाई एम भी पुत्री है इसकी, ठीक, और ये भी, और ये भी। भाई एक देखो, इसके दो डायग्राम बन सकते हैं क्यों। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज़ पता चल रही है, ये भी पुत्री है,
ये पुत्र हो गया और ये पुत्री हो गई और ये इसकी बहन हो गई। तो M का R से क्या संबंध है? M यहाँ है और R यहाँ है, तो आपस में क्या है, ये भी तो बहन है, बहनें हैं ये दोनों आपस में, M और R क्या है भाई, बहनें हैं। ठीक है भाई, चलो नोट डाउन करिए यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखो हमने दो तरीके से किया है, यहाँ इस ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी देख के और इस वाली इन्फॉर्मेशन को भी देख के। ठीक, कुछ नहीं है, नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन दूसरा मैं लिखता हूँ, देखो भाई चलो भाई, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। देखो क्वेश्चन को हम ब्रेक करके करेंगे, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है। इस ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ इनको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, बी का एम से संबंध बताओ, बी का एम से रिलेशन बनाओ भाई। ठीक, करना कुछ नहीं है, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन उठा लो उसके हिसाब से फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। ए बी का भाई है तो ए भाई है किसका, बी का, ये दोनों सेम जनरेशन में। सी बी की माँ है यानी जो सी है वो क्या है, माँ है किसकी, बी की, तो ये इनके बच्चे हो गए दोनों, सी के बच्चे कितने हो गए, ए और बी। अब इसका बी का जेंडर नहीं पता, एम सी की बहन है, एम जो है वो सी की बहन है, ये दोनों बहन बहन हो गई। तो बी का एम से संबंध पूछिए है क्या होगा, देखो बी का एम से, ये इसकी मम्मी यानी ए की भी मम्मी और बी की भी मदर, और मदर की बहन तो क्या लगी, मौसी, क्या लगी भाई हमारी, यानी बी की क्या लगी, बी की मौसी। ठीक, लिख लो, चलो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, देखो जो भी फ्लो आपको जनरेशन चार्ट बनाना है ना वो इसी तरीके से बनाना है, और साथ के साथ जो ये मैं सिंबल लिखता हूँ प्लस माइनस, ये हमारा जेंडर का सिंबल है, ये हमको साथ के साथ लिखते हुए चलना है। ठीक भाई, और नहीं लिखोगे तो फिर आदमी को महिला और महिला को आदमी तुम बना ही दोगे। चलो आओ एक और है, डी ए का पुत्र है, देखो डी ए का पुत्र है, थर्ड क्वेश्चन है, डी ए का पुत्र है पहली इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, सी पी की माता है, सी
पी की माँ है और डी की पत्नी है। ठीक, डी की पत्नी है, तो ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का सी से क्या संबंध है? ठीक भाई, चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब हमें स्टेटमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन ड्रॉ करना है। और एक और बात रही, जो और है, और दो इन्फॉर्मेशन आती हैं, एक तो जो की इन्फॉर्मेशन और एक ये दो, जो वाले में पास वाले को रिप्रेजेंट करता है और वाले में दूर वाले को। ठीक, बस ये ध्यान रखना, अगर जो होता तो इन्फॉर्मेशन होती पी के लिए, इसमें बीच में और की जगह पे देखो ये जो है, अगर जो होता है यहाँ पर तो पी के लिए इन्फॉर्मेशन होती, और है तो सी के लिए। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं, डी ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र कौन हो गया? डी, प्लस सी पी की माँ है और डी की पत्नी है, यानी डी की पत्नी क्या हो गई? सी। दो निशान, दो लाइन से हस्बैंड वाइफ। अब इसने पूछा है और पी की क्या है? माँ है। तो एक बात बताओ, ये इसकी क्या लगेंगे? या तो सास लगेगी, ये लड़के है, मतलब ये इसका हस्बैंड, यानी इसका लड़का हुआ किसका? ए का, इसका हस्बैंड और इसके हस्बैंड के मम्मी या पापा, तो क्या लगे? या सास या ससुर। ठीक भाई, लिख लो अपना आंसर, सास या ससुर। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखो ये इन्फॉर्मेशन वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, जो वाली इन्फॉर्मेशन पास वाले के लिए और वाली इन्फॉर्मेशन दूर वाले के लिए, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन क्या है? बी डी का भाई है। फोर्थ क्वेश्चन, बी डी का भाई है, पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड, डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है। तीसरा, एफ एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। ठीक, एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से संबंध क्या है? ठीक भाई, क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन मार्क लगाओ लास्ट में, करते हैं इसको भी। बी डी का भाई है, यानी बी भाई है किसका? डी का। और डी बहन है किसकी? एफ की, यानी तो ये नेगेटिव है और ये एफ की बहन है। एम एफ का भाई है, जो एम है वो एफ का भाई है, तो यानी एम जो है वो भी इसका भी भाई होगा। अब ये पूछा है एफ का बी से संबंध बताओ, बी का एफ से नहीं है, एफ का बी से है, यानी कहने का मतलब है कि ये एफ जो है ये इसका संबंध हमें बी से बताना है, तो क्या लगेगा भैया इसका? देखो ये सारे बहन भाई की ही जनरेशन में है। ठीक, तो करो इसको निकालो जल्दी से भाई, या तो भाई होगा या बहन होगा, अभी इसका जेंडर हमें पता नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो भाई बनेगा या बहन बनेगी, दोनों में से कोई सा एक होगा। ठीक, तो नोट डाउन करिए यहाँ तक।
शुरू शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम के का भाई है, क्वेश्चन है एम के का भाई है, क्या है? भाई है, ठीक। इसके बाद पी के की बहन है, पी के की बहन है, ठीक भाई। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, ठीक भाई। तो पूछा है के का आर से संबंध, के का आर से संबंध, ठीक। करते हैं क्वेश्चन को, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए आपको, जो हम जनरेशन चार्ट बनाते हैं, ठीक। तो करते हैं भाई, एम के का भाई है, एम भाई है किसका? के का, ये दोनों एक जनरेशन में हुए। अब इसने बोला है कि पी जो है बहन है किसकी? के की। इधर लिख दो, पी बहन है के की। अब के का जेंडर हमें पता नहीं है। आर पी का पिता है, आर जो है वो फादर है किसका? पी का। जब पी का फादर है तो इन तीनों का भी फादर, यानी दोनों का भी फादर होंगे आर। तो क्या पूछी है? के का आर से संबंध बताओ क्या होगा। के का आर से संबंध, अब बता दो के का आर से संबंध क्या होगा, ठीक। भाई के का आर से संबंध बताओ क्या होगा, या तो ये इसका पुत्र होगा, या तो अगर प्लस होगा तो इसका पुत्र होगा, अगर माइनस होगा तो इसकी पुत्री होगी। लिख लो, पुत्र या पुत्री, प्लस और माइनस पर डिपेंड करता है। अगर इसके साथ प्लस होता तो हमें पता चल जाती कि या क्या है, इसका पुत्र है। अगर माइनस होता तो हमें पता चल जाएगी ये इसकी क्या है, पुत्री है, ठीक भाई। तो आज की जो क्लास है ना हमारी, उसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए, और पांचों ही क्वेश्चन जो करें हमने वो जनरेशन चार्ट पर ही बेस क्वेश्चन करें हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा अपना बढ़ाएंगे क्वेश्चनों के लिए, ठीक। और आप जनरेशन चार्ट को अच्छे से एनालाइज़ करिए, उसको देखिए, ठीक, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ओके।